नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। ये योगी बाबा की सरकार है भैया जी, यहाँ ना तो किसी तरह की कोई बेईमानी चलेगी, ना ही किसी तरह का हक मारा जाएगा। जिन्होंने दबंगई से काम करके संपत्ति जोड़ी, उनसे बाबा का बुलडोजर निपट रहा है। और जो बेईमानी करके सरकारी सेवा का लाभ ले रहे थे, अब उन पर बाबा जी खुद ही बरस रहे हैं। और भैया बरसे भी क्यों ना, जो योजना एक ऐसे व्यक्ति के लिए बनाई गई थी जो दिन रात पाई पाई जोड़कर अपने परिवार के लिए रात का निवाला इकट्ठा कर पाता है, उनका वो हक वो लोग ले जाते हैं जिन्हें असल में खुद दूसरे की मदद करने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर उन लोगों से निपट रहा है जिन्होंने अवैध तरीके से महल खड़े किए थे, वहीं दूसरी तरफ दूसरों का हक मारने वालों से सूबे के मुखिया बाबा बुलडोजर नाराज होकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर जीवन यापन करने वाले राशन कार्ड की। उत्तर प्रदेश में अब तक राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए एक लंबी जंग लड़नी पड़ती थी, वहीं अब राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए भी होड़ लगी हुई है। प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि जो लोग सरकारी योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे थे और वो उसके लिए अयोग्य हैं या जिन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में वो अपना राशन कार्ड तत्काल जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करें, अन्यथा जाँच के दौरान अगर कोई अयोग्य पता चलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त आदेश जारी किया था कि जो लोग राशन कार्ड के लायक नहीं हैं या जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और मुफ्त का राशन ले रहे थे, इसकी जांच होगी और जांच में पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसके अलावा जिन्होंने अब तक दूसरे के हक छीने हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और अब तक के मुफ्त राशन के पूरे पैसे उनसे वसूले जाएंगे, जिसके तहत गेहूं 32 रुपए और चावल 24 रुपए के हिसाब से वसूल किए जाएंगे। तो भैया, अब जब से योगी सरकार का ये आदेश जारी हुआ है तब से लोगों में एक होड़ सी मची हुई है। अगर जल्द से जल्द राशन कार्ड सरेंडर नहीं कराया तो ना जाने उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो जाएगी। अब जब बात योगी बाबा की हो तो सत्ता विपक्ष की इस पर टिप्पणी करना और सवाल उठाना तो भाई लाजमी है। फिलहाल विपक्ष के विरोध के बाद योगी सरकार यूटर्न ले ली है और वसूली के आदेश को फिलहाल के लिए रोक लिया गया है। प्रदेश में लोग खुद से अपना कार्ड सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश में लोग जिला आपूर्ति विभाग के कार्यालय में लंबी लंबी कतारों में लगकर अपना राशन कार्ड सरेंडर करा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के आपूर्ति विभाग के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश में 14,91,04,359 राशन कार्ड हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस संख्या में कितने लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर करते हैं और कितने पात्र लोगों को योगी आदित्यनाथ उनका हक दिलाते हैं। कैमरामैन मोहन शर्मा के साथ रचना सिंह की रिपोर्ट।